अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है 2006 का, सवाल नंबर 5 है हमारे पास। इसके दो जुज दिए हुए हैं हमें। पहला जुज है 1 और 3 मसावत एक्स के 4 मनफी 10 एक्स के 2 जमा 9 बराबर 0 के रूट्स हों। दूसरा जुज है हमारे पास 3 और मनफी 4 मसावत एक्स की 4 जमा 2 एक्स की 3 मनफी 13 एक्स की 2 माइनस 14 एक्स जमा 24 बराबर है 0 के रूट्स हो। ये दो जुज हैं बिल्कुल एक तरीके से होंगे। इन दो में से मैं दूसरा जुज मैं करवा देता हूँ, एक करवा देता हूँ, पहला जुज आपने खुद करना है। सबसे पहले हमें पी ऑफ एक्स जिसे कसीर रकमी हमारे पास एक्स की 4 जमा 2 एक्स की 3 माइनस 13 एक्स की 2 माइनस 14 एक्स जमा 24 और हमें एक्स क्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और एक्स बराबर है माइनस 4। सबसे पहले इससे हम 3 से इसको हल करेंगे, तकसीम करेंगे। एक्स की 4 का हमारे पास कोफिशेंट 1 है, एक्स की 3 का कोफिशेंट 2 है, एक्स की 2 का कोफिशेंट माइनस 13 है और एक्स का कोफिशेंट माइनस 14 है और कांस्टेंट हमारे पास 24 है। अब देखें 3 से हमने करना है, इसको हम नीचे उतारेंगे ऐसे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15 ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऐड करेंगे माइनस 8 और ये हमारे पास माइनस 24 और ये 0 हो गया। अब ये तो हमने 3 से कर लिया, अब हमने इसको अब माइनस 4 से हल करना है। इसी से आगे हमने अब ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, एक्स की 3 प्लस 5 एक्स प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पावर 4 थी, जब हमने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, ये x की 3 बन गई। अब इसको दोबारा हमने माइनस 4 से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात बन जाएगी। दो दर्जी मसावात को हल करने के हमने 3 तरीके पढ़े हुए हैं, बदरिया फार्मूला, बदरिया तकमील मुरबा, बदरिया फैक्टराइजेशन, उससे हम उसको आगे हल करेंगे। अब ये हमारे पास एक्स थ्री का कोफिशेंट यानी 5 1 5 2 माइनस 8, अब इसको आगे हल करेंगे माइनस 4 के साथ। सबसे पहले 1 को नीचे उतारेंगे, इससे ज़रब देंगे तो माइनस 4, जमा करेंगे तो हमारे पास 1, ज़रब देंगे तो माइनस 4, जमा करेंगे तो मनफी 2, जमा ज़रब देंगे तो 8 और जमा करेंगे 0। ये हमारे पास एक्स की 2 जमा एक्स मनफी 2 बराबर है 0। अब ये हमारे पास पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, यानी अब इधर से हमने दो फैक्टर निकालने हैं। कैसे करेंगे, एक्स की 2 जमा 2 एक्स माइनस एक्स मनफी 2 बराबर है 0। एक्स कामन आ गया, एक्स जमा 2 मनफी 1 कामन आ गया, एक्स जमा 2। इस तरीके से एक्स जमा 2 हमारे पास और ये एक्स माइनस 1 और ये 0 है और ये 0 है। उसके बाद एक्स जमा 2 बराबर है 0, एक्स मनफी 1 बराबर है 0, एक्स बराबर मनफी 2 हो गया, एक्स बराबर है हमारे पास 1 आ गया। इस तरीके से ये हमारे पास ये क्वेश्चन हल हो गया। ये मैंने दूसरा जुज किया, अब पहला जुज कैसे होगा। सबसे पहले एक्स की 4 के हम कोफिशेंट 1 लेंगे, फिर एक्स की 3 नहीं है 0 इस्तेमाल करें 0 लगाएंगे, एक्स की 2 का मनफी 10 और फिर हम एक्स वाला फिर नहीं है वो 0 लगाएंगे और 9 फिर लिखेंगे। इस तरीके से 1 से पहले तकसीम करेंगे उसका जवाब को, फिर आगे 3 से तकसीम करेंगे तो फिर हमारे पास दो मसावात बन जाएगी। फिर इसी तरीके से फैक्टराइजेशन से इसको हम दो फैक्टर और निकालेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गए, एक्स 3 एक्स बराबर माइनस 4, ये हमारे पास 4 फैक्टर बन गए जी। ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर जिसमें 2 शरह 6 आज हमने कंप्लीट की। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 शरिया 6 करेंगे, जिसमें हम हमजाद मसावात होंगी वो हम हल करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको मेल पर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।